भाई ये वीडियो में तुम्हारे कमेंट्स की बाढ़ आने के बाद बना रहा हूँ। हाँ मतलब भाई मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ चुके हैं कि भैया BTS बंडल के बारे में कुछ बता दो। मतलब यार साल बीत गए हैं और BTS बंडल का कुछ पता ही नहीं है। और बात रही गरीना की तो भाई गरीना तो जितनी भी चीजें हाइप में होती है उनको जरूर से लेके आता है, बट BTS बंडल ने ऐसा क्या बिगाड़ा है कि भाई BTS बंडल ही रिटर्न पे नहीं आ रहे। इलाइट पास रिटर्न पे आ गया था, क्रिमिनल बंडल ऑलरेडी रिटर्न पे आ चुके हैं, बहुत सारी चीजें हैं यार जो कि पहले से रिटर्न पे आ चुकी हैं। अब बस भाई BTS बंडल ही रह गए हैं जो कि अभी तक रिटर्न पे नहीं आए हैं। तो देखो भाई आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लो, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को BTS बंडल के बारे में ही बताने वाला हूँ। एंड वैसे आज बस हम लोग BTS बंडल के बारे में ही नहीं बल्कि आज तो हम लोग और भी काफी सारे अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि भाई इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को अपकमिंग लकी व्हील डिस्काउंट इवेंट के बारे में बताऊंगा। हाँ भाई मुझे लकी व्हील डिस्काउंट इवेंट का प्रॉपर रिव्यू मिल चुका है, तो तुम लोग टेंशन मत लो, लकी व्हील का पूरा इन्फॉर्मेशन तुम लोगों को आज मैं दूंगा। फिर गाइस आज हम लोग बनी बंडल रिटर्न के बारे में भी बात करने वाले हैं। आप लोग यार उस वीडियो को स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखो, आज आप लोगों को जोरदार धमाकेदार इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो चलो यार अभी हम लोग फिलहाल बातें ना करके वीडियो को स्टार्ट कर दो। और सबसे पहले गाइस मैं आप लोगों को आज के टुनाइट अपडेट के बारे में बता देता हूँ। देखो भाई कल 23 तारीख को हमारे गेम के अंदर एक रिंग इवेंट आने वाला है जिसका रिव्यू तुम लोग स्क्रीन पर देख ही पा रहे होगे। भाई ये रिंग इवेंट काफी कमाल का है, एंड वैसे मैंने इसका रिव्यू तुम लोगों को पहले भी कई बार करवा रखा था, वो तो गाइस ये आज का टुनाइट अपडेट है। एंड मैंने सोचा कि भाई तुम लोगों को रीकैप करवा दूं जिससे तुमको पता चल जाएगा कि कल ये इवेंट आने वाला है, तो मैंने फिर से इसका इन्फॉर्मेशन शेयर किया, वरना मैं कोई इंटरेस्ट नहीं देता। खैर फिलहाल यार अभी हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अभी हम लोग कुछ और अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। जी हां गाइस आप लोगों को मैं अभी हमारे गेम के अंदर आने वाले रिंग इवेंट के बारे में बताता हूं। हां यार बनी रिंग इवेंट भी हमारे गेम के अंदर आने वाला है जिसका रिव्यू तुम लोग स्क्रीन पर देख भी पा रहे होगे। भाई ये बनी रिंग इवेंट सच में काफी कमाल का है क्योंकि इसमें बहुत से बंडल अवेलेबल है। हां गाइस सबसे पहले हम लोगों को यहां पर बनी वॉरियर बंडल देखने को मिल रहा है। बनी वॉरियर बंडल के साथ साथ यहां पर और भी काफी सारे बंडल है, जैसे कि यहां पर बनी क्वीन बंडल है, बनी हेडमैन बंडल है, फिर भाई बस इतना ही नहीं यहां पर सेक्सी बनी वाला फीमेल बंडल भी है, फिर यहां पर बनी मास्टरमाइंड बंडल भी देखने को मिल रहा है। यार भाई एक एक करके बंडलों का रिव्यू कराने से तो अच्छा तुम लोग खुद से ही स्क्रीन पर देख लो, क्योंकि यही है हमारे गेम के अंदर आने वाला अपकमिंग रिंग इवेंट। जी हां गाइस रिंग इवेंट की तो भाई मैं कुछ तारीफ करने ही नहीं वाला हूं, तुम लोग खुद ही स्क्रीन पर रिव्यू देख रहे हो, एक नंबर का रिंग इवेंट है। पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई एम डैम श्योर तुम्हें भी ये जरूर पसंद आएगा। बाकी गाइस तुम लोग स्क्रीन पर इसका रिव्यू तो देख ही रहे हो, इसलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और अभी यार मैं आप लोगों को रिंग इवेंट के कंफर्म डेट के बारे में बताता हूं, क्योंकि भाई आज और भी बहुत सारे अपडेट्स हैं तो हम लोग इसी में अपना पूरा टाइम बर्बाद नहीं कर सकते। सो ऑलराइट गाइस मेरी बातों को ध्यान से सुनो, ये जो रिंग इवेंट आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो ये रिंग इवेंट आज ही के दिन हमारे गेम की फाइल के अंदर ऐड हो रखा है। एंड भाई बहुत ज्यादा दिक्कतों के बाद मुझे इसका रिव्यू मिला है, इसका रिव्यू इजीली अवेलेबल भी नहीं है, बट अब मैंने इसका रिव्यू करवा दिया है तो कंफर्म डेट भी तुम लोगों को बता देता हूं। देखो भाई ये रिंग इवेंट हमारे गेम के अंदर आएगा नेक्स्ट मंथ दिसंबर में, एंड मोस्ट प्रोबेबली यार दिसंबर की फर्स्ट वीक में आ जाएगा, यानी कि 4 तारीख से 7 तारीख के बीच में, इससे लेट नहीं होगा, इसी टाइम फ्रेम के बीच में रिंग इवेंट आ जाएगा। अब भाई ये इतना लेट भी इसलिए आ रहा है क्योंकि भाई अभी ब्लू लॉक के कोलैबोरेशन वाले रिंग इवेंट की बारी है। अब देखो भाई जो पहला रिंग इवेंट है ब्लू लॉक कोलैबोरेशन का वो तो कल 23 तारीख को आ जाएगा, मैंने ऑलरेडी तुमको उसके बारे में बता दिया है, बट भाई एक और रिंग इवेंट है, चलो उसका भी रिव्यू मैं तुम लोगों को करवा ही देता हूं। हां जी गाइस आप लोग स्क्रीन पर देखो ये है हमारे गेम के अंदर आने वाला सेकंड रिंग इवेंट एंड इसका नाम है नागी रिंग इवेंट। मैं आपको बता दूं यहां पर आप लोगों को एक बंडल देखने को मिलेगा, एक इमोट देखने को मिलेगा और एक फेमस की स्किन देखने को मिलेगी। तीनों ही आइटम भाई ये रिंग इवेंट के काफी ज्यादा बढ़िया है, आप लोग आराम से पूरे रिंग इवेंट का रिव्यू देखो, भाई कोई जल्दबाजी नहीं है। यहां पर अवेलेबल फेमस की स्किन भी बढ़िया लग रही है, बंडल भी अच्छा लग रहा है, इमोट भी अच्छा लग रहा है, तो ऐसा इसमें कुछ दिक्कत की बात है नहीं। पर्सनली यार मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा ये रिंग इवेंट। एंड हाँ अगर रही बात इसकी कंफर्म डेट की तो भाई मैं आप लोगों को इसकी कंफर्म डेट भी बता दूं। हाँ गाइस ये जो रिंग इवेंट तुम लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो ये हमारे इंडिया सर्वर के अंदर इसी मंथ नवंबर में आने वाला है और इसकी कंफर्म डेट है 29 नवंबर। मुझे पता है तुम लोगों को ये बहुत पसंद आ रहा है और इसकी डेट को सुन के तुम लोग ऑलरेडी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए होगे, क्योंकि अब बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, बस थोड़ा सा टाइम है फिर बस ये रिंग इवेंट हमारे गेम के अंदर आ ही जाएगा। सो ऑलराइट गाइस देखो अभी मैंने तुम लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले रिंग इवेंट का इन्फॉर्मेशन तो दे दिया है। हाँ यार मैंने रिंग इवेंट के बारे में कुछ ज्यादा ही तुम्हें बता दिया है, एक नहीं बल्कि हम लोग 3-3 रिंग इवेंट के बारे में बात कर चुके हैं, तो अभी यार सीधा हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एंड अभी गाइस मैं तुम लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले कुछ और इवेंट्स के बारे में बता देता हूं, क्योंकि कुछ और इवेंट्स के बारे में बात करना भी बहुत जरूरी है। तो अभी यार तुम लोग स्क्रीन पर ये लकी व्हील डिस्काउंट इवेंट देखो। गाइस ये है विंटरलैंड स्पेशल लकी व्हील डिस्काउंट इवेंट, बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है, तुम लोग आराम से इसका पूरा रिव्यू देखो, इसकी कंफर्म डेट मैं तुम लोगों को अभी थोड़ी देर में ही बता दूंगा, बट पहले रिव्यू के तो मजे लो। ये है भाई हमारे गेम के अंदर आने वाला विंटरलैंड स्पेशल लकी व्हील। अब विंटरलैंड क्यों है वो तो तुम्हें देख के पता लग ही गया होगा, सभी आइटम्स जो यहां पर है वो विंटर की ही थीम पर है, भाई बंडल ग्रेनेड ग्लू वॉल सब कुछ तो
हंटर की थीम का है। हालांकि तुम लोगों को यहाँ पे कोई नया आइटम देखने को नहीं मिल रहा होगा, एंड उसका बस एक ही रीजन है, और वो रीजन ये है कि भाई विंटरलैंड स्पेशल जो नए आइटम्स है वो अभी हमारे गेम की फाइल के अंदर ऐड हुए नहीं है, वो भाई ओबी अपडेट के बाद हमारे गेम की फाइल के अंदर ऐड होंगे। तो पॉसिबल है कि यार हम लोगों को यहाँ पर कुछ नए आइटम्स भी देखने को मिले, बट अभी जो रिव्यू हमारे गेम की फाइल के अंदर है वो एग्जैक्ट ऐसा ही है जैसा आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो। यानी कि भाई ये लकी व्हील पूरा कंफर्म है, बट हाँ इसमें एक दो आइटम एडिशनल आ सकते हैं जो कि अपडेट के बाद ऐड होंगे हमारी फाइल के अंदर। बाकी बात रही इसकी कंफर्म डेट की, तो भाई मैं तुम्हें इसका कंफर्म डेट बता देता हूँ। ओके, तो भाई देखो वैसे तो आजकल बहुत से जो रिंग इवेंट रहते हो मंथ की स्टार्टिंग में ही आ जाते हैं। हाँ तो भाई देखो वैसे तो आजकल जो मोस्ट ऑफ द डिस्काउंट इवेंट रहते हो मंथ की स्टार्टिंग में आ जाते हैं, 4 तारीख 5 तारीख के आसपास। लेकिन भाई ये लकी व्हील मंथ की स्टार्टिंग में नहीं आएगा, एंड इसका एक ही रीजन है ओबी अपडेट। भाई जब ये लकी व्हील आने वाला है उस दिन तो हमारे गेम के अंदर आने वाला है नेक्स्ट ओबी अपडेट। हाँ यार 4 दिसंबर को ओबी अपडेट आएगा, दैट्स व्हाई यार ये लकी व्हील हम लोगों को दिसंबर मंथ के मिड में देखने को मिलेगा। हाँ भाई तुम लोगों ने एकदम सही सुना, नवंबर में तो आ नहीं सकता क्योंकि अब नवंबर खत्म होने वाला है, और साथ ही साथ नवंबर में ऑलरेडी हमारे गेम के अंदर एक डिस्काउंट इवेंट आ चुका है, तो फिर से करीना हमारे गेम के अंदर इस मंथ डिस्काउंट नहीं भेजने वाला है। बट हाँ तुम लोग बिल्कुल टेंशन मत लो, क्योंकि नेक्स्ट मंथ दिसंबर में ये लकी व्हील आएगा एंड ये मिड में आएगा, ठीक है, या फिर 14 या फिर 15 तारीख के आसपास आएगा। तो अभी तुम लोग रिलैक्स हो जाओ, 14-15 तारीख के आसपास हमारे गेम के अंदर तुम लोगों को ये लकी व्हील देखने को मिल जाएगा। बट फिर से कंफर्म कर रहा हूँ 14-15 तारीख से पहले नहीं आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में वो भी अपडेट आने वाला है। बाकी बात रही नए आइटम की, तो भाई एक या फिर 2 ही नए आइटम ऐड होंगे, वो भी अपडेट के बाद हमारे गेम की फाइल के अंदर लकी व्हील में ऐड कर दिए जाएंगे करीना के द्वारा। तो भाई मैं वो भी अपडेट के बाद तुम लोगों को एक और रिव्यू करवा दूंगा लकी व्हील का, कोई नया आइटम अगर करीना ऐड करेगा लकी व्हील में तो वो दिखा दूंगा, कुछ आइटम नहीं भी ऐड करेगा तो भी मैं तुमको रिव्यू करवा दूंगा, एंड पोस्टर वगैरह मिल जाए तो और भी अच्छा, वो भी दिखा दूंगा। बट अभी भाई लकी व्हील के रिगार्डिंग जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन था सब कुछ मैंने तुम्हें बता दिया है। तो अभी गाइस बढ़ते हम लोग वीडियो में आगे और बात करते हैं आज के वीडियो के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो टॉपिक है BTS बंडल रिटर्न। हाँ भाई BTS बंडल एक ऐसा टॉपिक हो गया जिसके बारे में हर किसी को जानना है, बट इन्फॉर्मेशन किसी के पास है ही नहीं। तो भाई बहुत ज्यादा खोजबीन करके तुम्हारे लिए मैंने ये वीडियो बना रखा है, जहाँ पर हम लोग BTS बंडल के बारे में पूरा डिटेल से बात करेंगे। देखो भाई वैसे तो कई बार हमारे गेम की फाइल के अंदर BTS बंडल की कुछ PNG वगैरह आती है, जिससे यार BTS बंडल की हाइप बढ़ती है, बट लास्ट में करीना अपनी जैसी हरकतें करता है एंड वो PNG को ही रिमूव कर देता है। बट इस बार ऐसा नहीं है, इस बार हमारे गेम की फाइल के अंदर BTS बंडल के रिगार्डिंग काफी सारी लीक्स आई हैं, और वैसे सही बताऊं तो ये जो लीक्स हैं ये एडवांस सर्वर के अंदर से मिली हैं, हमारे नेक्स्ट ओबी अपडेट के एडवांस सर्वर के अंदर से। वैसे अभी आप लोग स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, ये भाई कुछ PNG हैं, यही मुझे एडवांस सर्वर की फाइल के अंदर से मिली है। मुझे क्या भाई ऑलमोस्ट सभी लोगों को मिल गई होंगी जिनने भी ना खोजा होगा, एंड आई एम प्रीटी श्योर भाई मैंने ही खोजा होगा, क्योंकि मुझे ही चुलती हमारे गेम की फाइल के अंदर से BTS की लीक्स निकालने की। तो भाई मुझे उम्मीद तो नहीं थी कि मुझे BTS के रिगार्डिंग एडवांस सर्वर के अंदर से कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा, बट हाँ मुझे ये PNG मिल गई हैं, जिनका रिव्यू भी मैं तुम्हें करवा चुका हूँ। बाकी फिर से एक और चीज तुम्हें क्लियर कट बता दे रहा हूँ, देखो भाई एडवांस सर्वर की फाइल के अंदर से PNG मिली है, तो इसका साफ सीधा मतलब है कि अपडेट के बाद हमारे गेम के अंदर BTS के रिगार्डिंग कोई ना कोई इवेंट तो जरूर आएगा। एंड आपको पता है यार लास्ट टाइम हम लोगों को BTS के एक बंडल फ्री में मिला था, हाँ कुछ 2000 डायमंड स्पेंड करने थे उसके बदले में एक टोकन मिल रहा था, एंड वो टोकन से एक बंडल मिल रहा था, ऐसे कुछ सिस्टम था तुम्हें याद होगा। एंड इस बार भी भाई इसी तरीके का सीन होगा, एक बंडल जरूर हम लोगों को इसी तरीके से फ्री में दिया जाएगा, एंड बाकी बंडलों के लिए हम लोगों को शायद कुछ डायमंड वगैरह लगाने पड़ेंगे। अभी यार सच में कोई ज्यादा लीक्स है नहीं, जस्ट यार मुझे एडवांस सर्वर की फाइल के अंदर से ये PNG मिली है, जो कि मैंने तुम्हें दिखा भी दी है, एंड इन्हीं के अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को बताया है कि हम लोगों को हमारे इंडिया सर्वर के अंदर अपडेट के बाद जरूर BTS बंडल देखने को मिलेगा। बाकी भाई तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो, और हमारे चैनल को सीधा सब्सक्राइब कर डालो, और हाँ वैसे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि भाई मैं तुम्हारे लिए ऐसे ही अपडेट्स लेके आता रहता हूं। और भाई जैसे आज मैंने तुम लोगों को BTS बंडल की ये PNG दिखा के कंफर्म किया कि हमारे इंडिया सर्वर के अंदर BTS बंडल रिटर्न पे आने वाले हैं, यार मैं तुम लोगों को एक और कंफर्मेशन दे देता हूं, जिस दिन हमारा वो भी अपडेट आएगा मतलब वही 4 दिसंबर को, उसी दिन की शाम को भाई मैं तुम्हें हमारे गेम की फाइल के अंदर से 3 चीजें कंफर्मेशन के साथ बताऊंगा। पहला तो हो गया जनवरी फरवरी का भूया पास, उसी के साथ साथ ये BTS बंडल। भाई BTS के रिगार्डिंग जो भी इवेंट ऐड होगा, जो भी पोस्टर ऐड होगा, जो भी लीक्स ऐड होगी या जो भी कंफर्म डेट ऐड होगा, सब कुछ तुम लोगों को मैं 4 दिसंबर की शाम को ही बता दूंगा। हाँ यार वो भी अपडेट के बाद कुछ नहीं, पहले मैं यही चीजें निकालूंगा एंड इन्हीं का इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दूंगा, तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अभी भाई मेरे पास BTS बंडल के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन था मैंने आपको बता दिया है, एंड आई होप कि भाई आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन सुन के भी बड़ा मजा आया होगा, क्योंकि भाई BTS के रिगार्डिंग कोई लीक्स आती नहीं है, आज बड़ी मुश्किल से मुझे कुछ अपडेट्स मिले। बाकी अभी भाई मैं तुम लोगों को BTS बंडल के रिगार्डिंग काफी सारा इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ, और वैसे देखा जाए तो ये वीडियो भी काफी ज्यादा लेंथी हो गया है, तो अभी भाई हम लोग ये वीडियो को एंड करते हैं। लेकिन वीडियो को एंड करने से पहले आप लोगों को याद होगा मैंने आज से कुछ 3-4 दिन पहले गिव अवे ऑर्गेनाइज किया था, जहाँ पर मैंने बोला था कि मैं कुछ लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर से पिक करूंगा और उनकी UID के अंदर मैं 1000 डायमंड का टॉपअप भेजूंगा। तो भाई
आप लोग स्क्रीन पर देखो, यही है वो लकी विनर्स जिनको मैं ऑलरेडी टॉप अप भेज चुका हूँ। सबसे पहले इन सभी विनर्स को कांग्रेचुलेशंस। बाकी भाई आप लोग भी आज फ्री में डायमंड्स जीत सकते हो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर भी है एक छोटा सा गिव अवे। एंड वो गिव अवे के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आज की वीडियो को एक लाइक करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, एंड देन आप लोगों को जाना है कमेंट सेक्शन पे, और कमेंट सेक्शन पे जाके आप लोगों को अपने यूआईडी के साथ एक बढ़िया सा कमेंट कर देना है। हाँ यार, बहुत से लोग रहते हैं सिर्फ यूआईडी कमेंट कर देते हैं, तो भाई ये जो यूआईडी कमेंट करके तुम लोग जाते हो तो इसको तो यूट्यूब खुद ही गायब करता है। यूट्यूब को लगता है कि फोन नंबर वगैरह या फिर कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन बंदे ने कमेंट में लिख दिया, वो उसको हाइड कर देता है। तो भाई तुम लोग पहले कुछ कमेंट लिख देना, कुछ फनी कमेंट लिख सकते हो, कुछ इवेंट्स अपडेट्स के बारे में पूछ सकते हो, देन तुम लोग उसके पीछे अपनी यूआईडी लिख देना सेम कमेंट में, तो भाई उसे यूट्यूब हाइड नहीं करेगा। और जब मैं विनर्स पिक करूंगा तो चांसेस रहेंगे आपका कमेंट पिक हो जाए। बाकी मैं विनर्स को डायरेक्टली रैंडम कमेंट पिकर वेबसाइट के अंदर से पिक करता हूं। जैसे आज की वीडियो रहेगी, 3-4 दिन बाद इस वीडियो का लिंक मैं रैंडम कमेंट पिकर वेबसाइट में पेस्ट करूंगा, एंड वहां पर से मैं रैंडम कमेंट 5 रैंडम कमेंट निकालूंगा, एंड उन 5 कमेंट में जो भी यूआईडी रहेगी उसी यूआईडी में 1000-1000 डायमंड भेजूंगा। तो भाई आप लोग जरूर से कमेंट कर देना अपनी यूआईडी के साथ। बाकी एक और चीज, आप लोग 10, 12, 13, 14 जितने चाहो उतने कमेंट करो। ऐसा नहीं है कि कमेंट तुम लोग ज्यादा करोगे तुम लोग डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, भाई मर्जी है, 60, 70, 80 जितने कमेंट करने उतने करो, ज्यादा कमेंट से चांसेस बढ़ेंगे कि तुम गिव अवे जीतो। बट अभी भाई फिलहाल हम लोग ये वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।